मेष राशि वालों को किस फील्ड में अपना करियर चुनना चाहिए, साथ ही किन खामियों को दूर करने के लिए इन्हें अपने करियर को और बेहतर बनाना चाहिए, आइए इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, पहली राशि मेष राशि, इन्हें किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए? देखो, ऐसा है अभिलाषा, कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं जी, 12 राशियों में पूरा विश्व बंटा हुआ है, 7 अरब आबादी पूरे विश्व की है। ऐसे में अगर देखा जाए तो एक राशि पर लगभग 60 करोड़ लोग हैं। 60 करोड़ लोगों की एक जैसी आजीविका नहीं हो सकती, एक जैसी रोजी रोटी नहीं हो सकती, एक जैसा जीवन नहीं हो सकता। तो ऐसे में जो आज हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ये हम चंद्र कुंडली के आधार पर करने जा रहे हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्र कुंडली प्रभावी होती है, उन्हें कौन सा करियर चुनना चाहिए, कौन सा करियर उनके लिए बेहतर है, किस क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलेगी, किस रास्ते पर उन्हें बढ़ना चाहिए, उसके लिए ये उपाय है। लेकिन अगर आपकी जन्मपत्री में चंद्र कुंडली से ज़्यादा लग्न कुंडली प्रभावी है, तो शायद ये बात 1% भी आपके ऊपर घटित न हो। इसका मतलब नहीं कि इस सिद्धांत में कोई दोष है, दोष नहीं है, बल्कि आप अगर लग्न से प्रभावित हैं तो उसके अनुरूप आपका करियर बनेगा। दूसरी बात ये जान लीजिए कि केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने से जीवन नहीं चलता है, कर्म हर समय करना चाहिए और कर्म निष्प्रिय भाव से बिना कामना के भी उतने ही मेहनत से करना चाहिए जितने मेहनत से कोई कामना और संकल्प के साथ करता है। तो हर राशि के व्यक्ति की पर्सनैलिटी में कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव होता है। अगर मनुष्य के अंदर कुछ भी निगेटिव ना हो तो वो संपूर्ण हो जाएगा, और अगर मनुष्य संपूर्ण हो जाए तो वो ईश्वर हो जाएगा। इसलिए कुछ ना कुछ निगेटिविटी तो जरूर रहती है, चाहे थोड़ा सा ही हो, लेकिन होता है। अगर आप अपने राशि के अनुसार अपने व्यक्तित्व की सकारात्मक चीज़ों को समझ लें तो अपने करियर का चुनाव तो सही करेंगे, साथ ही करियर में बहुत सफलता हासिल करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है हर राशि वालों के लिए, अगर हमें पता चल जाए कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, तो हमें पहुंचने में फिर देर कहाँ। अगर आपको पता है कि आपको कलकत्ता जाना है और आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और वहाँ किसी बुद्धिमान व्यक्ति से आपने पूछ लिया कि कलकत्ता जाने के लिए गाड़ी कहाँ से मिलेगी, उसने अगर आपको प्लेटफार्म नंबर बता दिया और समय बता दिया कि इतने बजे इस प्लेटफार्म नंबर से गाड़ी मिलेगी, तो आप गाड़ी में बैठोगे और कलकत्ता तक बिना रास्ता किसी से पूछे आप पहुंच जाओगे। इसी तरह से अगर कोई सुलझा हुआ व्यक्ति, भविष्य को जानने वाला, आपके जीवन का मार्गदर्शन कर दे, आपके बच्चे के जीवन का मार्गदर्शन कर दे, बच्चा को वकील बनाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाइए, एडमिनिस्ट्रेटर बनाइए, या सेना में भेजिए, या फोर्स में भेजिए, या व्यवसायी बनाइए, बच्चे के व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन करके अगर उसको सही डायरेक्शन में लगा दिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सारी मेहनत आधी हो जाएगी, सफलता चार गुनी हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है, लोग समझते नहीं हैं, अपने ग्रह स्थिति के चाल को नहीं समझते हैं, 10-10 साल लगातार लगे रहते हैं किसी तैयारी में और 10 साल के बाद निराश होकर के तब जिंदगी का दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, जिंदगी के 10 अनमोल साल समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आप नहीं निर्णय कर पाते हैं, अपने व्यक्तित्व का और अपनी ऊर्जा का मूल्यांकन आप ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो आज आप किसी सुलझे हुए अनुभवी व्यक्ति से अपने पर्सनालिटी का मूल्यांकन करा करके और किस क्षेत्र में आपकी योग्यता है उसके अनुरूप आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक दिन कार्यक्रम मैंने किया था गुरु के ऊपर, तो मैंने बताया था कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। तो यहाँ गुरुर विष्णु का मतलब होता है कि गुरु भगवान विष्णु की तरह पालनकर्ता भी है। उसका आशय यही था
कि आपका गुरु इतना बुद्धिजीवी होगा कि वो आपके व्यक्तित्व को समझ करके आपके अनुरूप कार्यों में आपको नियोजित करने की प्रेरणा देगा, और जब आप उसमें नियोजित होंगे सफलता मिलेगी तो उससे परिवार अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा और आपका जीवन और आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अपना टारगेट हमें जानना, अपना लक्ष्य हमें जानना, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य जानना ये आवश्यक है। मेष राशि के जातकों की एक बहुत खासियत होती है, ये बड़े जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं, उत्सुक होते हैं, किसी चीज़ को जानने के लिए इनके अंदर बड़ी उत्कंठा रहती है। अगर इनका मुख्य ग्रह जैसे मंगल अगर मजबूत हो या फिर मंगल इनकी कुंडली में बहुत अच्छा हो तो इनकी सेहत अच्छी रहती है। मेष राशि वालों के लिए पुलिस, सेना, दवाइयों का कारोबार, केमिकल का कारोबार, जमीन का कारोबार, पॉलिटिक्स, कानून, लोहा, मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा काम बहुत फायदेमंद होता है। मेष राशि वालों की कमजोरी एक चीज़ होती है, गुस्सा, क्योंकि राशि स्वामी मंगल है, जरा सा भी अगर ये डिसबैलेंस होता है तो ऐसे आदमी का गुस्सा हर समय फूट पड़ता है। और गुस्से के साथ साथ जो एक कमजोरी हमने देखा है मेष राशि के जातकों में, वो कमजोरी होती है उतावलापन। अगर ये श्रेष्ठ हैं और आपको कुछ कह रहे हैं और उस आज्ञा को पालन करने में आपने एक मिनट भी लगा दिया तो ये नाराज हो जाएंगे। इनके मुंह से निकलते ही काम पूरा हो जाना चाहिए, और दूसरे लोग भी अगर इन्हें कोई काम कहें तो इतनी जल्दी से ये खुद भी करने की कोशिश करते हैं, तो उतावलापन तो होता है मेष राशि के जातकों में, इसमें नो डाउट। तो मेष राशि के जातकों की जो ताकत है वो है कड़ी मेहनत। ये मेहनत से नहीं चूकते, इनके सामने पहाड़ हो लक्ष्य के रूप में तब भी उसे तोड़ना शुरू करेंगे, डर के या घबरा करके भागेंगे नहीं। बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं, साइकिल पर चल रहे होते हैं, हेलीकॉप्टर इनके दिमाग में चल रहा होता है, बहुत एम्बिशियस, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, और सचमुच में होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जो एम्बिशियस नहीं होगा वो आदमी कर ही क्या सकता है। छह चीज़ें ऐसी हैं जो किसी आदमी को बड़ा आदमी बनने से रोक देती हैं, जैसे पहली चीज़ है बीमारी, अगर कोई आदमी बीमार है कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। दूसरी बात क्या है, कायरता, अगर आदमी डरपोक है, रिस्क नहीं ले सकता है तो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। तीसरी बात है घर से प्यार, अगर घर छोड़ना मुनासिब नहीं है, घर छोड़कर कहीं आप नहीं रुक सकते हैं तो भी आप बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं। चौथी बात है महत्वाकांक्षा का अभाव। पांचवी बात है संतोष, अगर मन में संतोष आ गया कि भाई जितना है बहुत है, नमक रोटी खाएंगे, सुख चैन से रहेंगे, तो भी आप कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं। इसलिए ये छह चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी व्यक्ति को बड़ा आदमी बनने से रोकती हैं, तो महत्वाकांक्षा तो होना चाहिए। तो मेष राशि वालों को गुरु ग्रह से बहुत सुफल प्राप्त होता है, और गुरु ग्रह इनके लिए बहुत भाग्यशाली भी होता है, लेकिन इनको शनि ग्रह से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इनको मंगल ग्रह के बुरे प्रभावों से बचने के लिए भी जीवन भर हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और मंगल स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।